हेलो गाइस, आज एक गाड़ी आई है, एस गोल्ड गाड़ी BS6। इसमें रीजनरेशन का इशू है, पुअर पिकअप। चलिए आज सीखते हैं लैपटॉप से रीजनरेशन करना। लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, देखिए कितना देर लगता है। लैपटॉप हल्का स्लो, देख लो कनेक्ट हो चुका है। ऑल किए, देखिए इसमें सूट मास बढ़ा हुआ है। देखिए डेल्टा प्रेशर कितना जा रहा है इनका। एक्सीटर दो भाई, देख लीजिए। चलिए भाई इसका एयरलाइन चेक करवाते हैं, एयरलाइन में कहीं पे दिक्कत होगा। एयरलाइन मैंने चेक कराया तो मुझे मिला टैपिट कवर का टिक्की उड़ा हुआ था, मैंने टैपिट कवर चेंज करवा दिया। उसके बाद एयरलाइन पूरा यहाँ से एयरलाइन चेक करवा लीजिए, एयर फिल्टर तक पूरा देख लीजिए। ये पाइप सब चेक करना है, कहीं पटा कटा फटा तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है। उसके बाद आप एयर फिल्टर को एक बार चेक कर लेना है, उसके अंदर मोबिल तो नहीं आ रहा है। एयर फिल्टर को खोल के देख लेना है एक बार ज़रूर। चलिए आज हम देखते हैं एयर फिल्टर को खोल के। एयर फिल्टर को मैंने खोला तो वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, सिर्फ टिकी उड़ा था इसका। और देखिए नया फिल्टर है। उसके बाद मैंने लैपटॉप लगाया, लैपटॉप लगा के फिर डेल्टा प्रेशर मैंने चेक किया, रीजनरेशन का इशू था। उसके बाद डीपी सेंसर का पैंप खोल देना है भाई, डीपी सेंसर का पैंप खोल के एक बार रीजनरेशन कर देना है भाई। रीजनरेशन कर देने के बाद फिर से एक बार डेल्टा प्रेशर चेक कर लेना है कितना जा रहा है। चलिए मैं रीजनरेशन कर देता हूँ, चलिए स्टार्ट कर देता हूँ रीजनरेशन। मैंने स्टार्ट कर दिया, देखिए रीजनरेशन हो रहा है। क्या आप लैपटॉप से रीजनरेशन करने के लिए आज सीख लिए हैं तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत सिंपल सा है लैपटॉप से रीजनरेशन करना। और देखिए मैं रीजनरेशन हो गया है, लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है और मैं देखता हूँ कोई फॉल्ट कोड नहीं, DTC नोट देख लीजिए भाई, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है सर। पूरा ऑल मी में करके फिर से एक बार और देख लेता हूँ, कोई फॉल्ट कोड नहीं। भाई हमारे न्यू चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दे कस